में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जयेश। इस क्रिसमस की तैयारियों के दिनों में आज हम क्रिसमस गिफ्ट या तोहफा के बारे में मनन चिंतन करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 24 में लिखा है, धर्मी का पुरस्कार प्रभु का आशीर्वाद है। अक्सर ये गिफ्ट हम क्यों देता है, ये गिफ्ट क्या है? गिफ्ट हमारे प्रेम का प्रकटन है। गिफ्ट फ्री में मिल जाता है, उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई वादा नहीं रहता है। जिसे हम अच्छे से प्यार करता है उसे अच्छा गिफ्ट देता है। इसी साल का अच्छा क्रिसमस गिफ्ट शायद वैक्सीन, सैनिटाइजर या मास्क होगा। इससे भी बढ़कर प्रेम या तोहफा ईश्वर ने हमें दिया है। संत यूहन्न का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। क्रिसमस की सबसे महान और अच्छा गिफ्ट यीशु ही है। ये गिफ्ट कोई सुंदर पेपर से कवर नहीं किया है या कोई भी क्रिसमस ट्री के नीचे नहीं पड़ा है। इस गिफ्ट पाने के लिए पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो कोई यीशु में विश्वास करेगा उसे यह तोहफा मिल जाता है। दूसरी बात, कोई भी गिफ्ट में जीवन नहीं होता, पर क्रिसमस गिफ्ट में जीवन है। यीशु आज भी है, वह जीवित प्रभु है। सूखे जीवन में, आशाहीन जीवन में, लॉकडाउन में, क्वारंटाइन में ये गिफ्ट जरूर जीवन प्रदान करता है और जीने के लिए आशा देता है। तीसरी बात, क्रिसमस गिफ्ट हम केवल क्रिसमस फ्रेंड के लिए देता है। यीशु सारी दुनिया के लिए जन्म लिया है, तो क्यों नहीं कोरोना सीजन में हम सबके लिए गिफ्ट बन जाते। जो कुछ तू मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया है तब मेरे लिए किया है। इसलिए दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए क्रिसमस गिफ्ट बन जाए। पिता ईश्वर यीशु को अब हमारे लिए दे दिया, वैसे ही हम अपने निर्मल और निष्कलंक जीवन पिता ईश्वर के हाथ में इस क्रिसमस सीजन में सौंप दें। अंत में क्रिसमस गिफ्ट खोलने के लिए ना भूलना, स्कूल की प्रिंसिपल बहुत बिजी रहता है, उसको बहुत सारे क्रिसमस गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट बाद में खोलेंगे सोच के शेल्फ में रखा जाता है, पर स्वर्गीय पिता देने वाला इस गिफ्ट नहीं खोलने से क्रिसमस का कोई मतलब नहीं है। सबसे महान गिफ्ट यीशु ही है। महान होने से विनम्र बनकर गौशाला में जन्म लिया। यही तोहफा में संपूर्ण प्रेम और आनंद निहित है। ईश्वर देने वाला ये गिफ्ट स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप को तोहफा के रूप में दूसरों को दे दें। It's not wrapped up with a bow. It's not beneath a Christmas tree. It's like nothing ever known. A present from the Lord to you and me. The perfect Christmas gift is Jesus. The greatest gift was born so humble. Perfect love, perfect joy in that tiny baby boy. The perfect Christmas gift is that the Lord had come to save us all. Perfect love, perfect joy in that tiny baby boy. The perfect Christmas gift. Is that the Lord?
when we fall, and it's for you and for me, so we can live.